बहुत ज़्यादा एक्साइटेड बिकॉज सुयश इज अ गुड सिंगर, जितने जितना अच्छा दोस्त है उससे ज़्यादा अच्छा सिंगर है वो, एंड आई हैव हर्ड हिम समटाइम्स बिफोर, लेकिन हम जब घर पे बैठते हैं हाउस पार्टी में तब सुना है, आज पहली बार हियरिंग प्रोफेशनली। यार मैं कंप्लीटली बॉलीवुड एट हार्ट, हिंदी फिल्मी गाने हैं, 90s। आज सूफी नाइट है और सूफी मेरा फेवरेट फेवरेट जॉनर है, तो मैं इसको पकड़ के खींच के लाई हूँ कि प्लीज बिकॉज़ आई लव सूफी, लेट्स जस्ट गो फॉर इट। एंड आल्सो सुयश इज अ ब्यूटीफुल सिंगर, उनकी आवाज आई थिंक सूफी के लिए ही बनी है। हां, नाइस कॉम्बिनेशन सुयश एंड सूफी। ओके सर, बॉम्बे अड्डा के बारे में क्या कहना है कि यंगस्टर की जान है गौरव की जगह है, इज अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन गौरव, एंड रिच बॉयज के साथ बहुत पुराना नाता है हमारा, एंड आई लव द प्लेस, आई थिंक इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट बार्स ऑफ बॉम्बे। आई थिंक शाहरुख है, मतलब वो जब भी आते हैं इट्स अ मैजिक, यानी अभी भी शाहरुख एंड अनुष्का का देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि शायद ये पहली बार उनकी पेयरिंग हो रही है, इतनी फ्रेश लग रहे हैं दोनों, एंड इम्तियाज अली एंड शाहरुख खान पहली बार साथ में काम कर रहे हैं, इट्स गोना बी एन अनयूजुअल जॉनर बट एक्साइटेड फॉर द सेम। इच्छा किसको नहीं इंडस्ट्री में सारे मेरे साथ काम करने की नहीं, पर इंशाल्लाह कभी ना देखिए, देखिए कोई ना कोई इच्छा पूरी होती है, हमारी भी हो जाएगी। थैंक यू।
तब से ही आज सुयश की सूफी नाइट है, मुझे कैसा लगा। सुयश मेरे भाई जैसा है एंड हम एक बहुत ही वेरी वेरी क्लोज एंड मैं उसको सपोर्ट करने के लिए कहीं पे भी जा सकती हूँ, जस्ट लाइक वो मुझे सपोर्ट करने के लिए कहीं पे भी आ सकते हैं एंड आई थिंक ही इज़ एन अमेजिंग सिंगर। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि उन्हें एक पहली तो ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली, दूसरा मुंबई को ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली कि वो एक सूफी नाइट दिख रहे हैं एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। सिंगिंग की बात करें तो मैम आपको कौन से टाइप के पर्सन से सॉन्ग्स? सिंगिंग की बात करें तो मुझे मिला के तीन पैग बल्लिए पंजाबी भंगड़े वाले गाने पसंद हैं मुझे। और अगर आज डिमांड करना है सुरेश जी से क्या एक गाना मेरे लिए तो कौन सा रहेगा वो सॉन्ग? तीन पैग। ओके मैम, बॉम्बे अड्डा के बारे में क्या कहना चाहिए पॉप के बारे में? इट्स अ वेरी वेरी कूल प्लेस है, बहुत कूल वाइब है जगह की एंड आई एम श्योर और भी कूल हो जाएगी और अमेजिंग हो जाएगी जब सुरेश अंदर गाएंगे। तो अगर आप लोग मेरी बात सुनते तो मैं बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ। नहीं बट जेन्युइनली आई थिंक रोड सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट मेजर्स होते हैं। हम छोटी छोटी चीज़ों में, एक तो मुझे सबसे ज़्यादा जो इरिटेट करता है ना, जब मैं रेड लाइट पे खड़ी हूँ और पीछे से कोई हॉर्न बजाता रहे, जैसे पता नहीं मैं तो यहाँ रोड पे रहने के लिए आई, अरे मुझे भी जाना है यार, ग्रीन होगी तो चली जाऊँगी। हैव पेशेंस, 15 मिनट पहले निकल जाओ घर से, बट इतना हॉर्न मार के हमारे दिमाग मत खराब करो, स्पीड मत बढ़ाओ, आराम से चलो, चिल। Thank you.